आप सभी को नमस्कार। मैं रंजना पांडे और आज इतना खुशी की बात है कि आज एक वर्ष हमारा जिलाध्यक्ष बनना पूर्ण हुआ और आज ही की तारीख में हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदय बड़ी बहन सुलोचना मौर्य बहन ने और प्राधिकार पत्र जारी किया और आज एक वर्ष हमारा जो भी कार्यकाल रहा महिला शिक्षक संघ जनपद बलिया की जो जिला अध्यक्ष बनाई, जो भी गलती हुआ, जो भी सही हुआ, और हमने 5 ब्लॉक अध्यक्ष का गठन भी किया और जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हमारी बहनें निकली हैं, एक वो समझिए कि हमारे लिए कोहिनूर है और अपने ब्लॉक को एक नंबर लेकर गई हैं। और अभी तो हमारा महिला शिक्षक संघ नया बना है और बलिया जनपद की प्रथम जिलाध्यक्ष बनी और जो भी मेरे साथ मेरी बहनों के साथ जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे साथ पुरुष भाई भी बहुत सहयोग किए, ब्लॉक अधिकारी से लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तो DM सर ने या जो भी बड़े बड़े बलिया स्तर के अधिकारी थे उन लोगों को काफ़ी आशीर्वाद मिला और हम लोगों ने मिलजुल कर जो भी काम किया वो सफल हुआ। और महिला शिक्षक संघ एक ये चीज़ है कि सबसे पहले एक हम लोग परिवार के गृहिणी हैं, दूसरे नंबर हमारा विद्यालय है, तीसरे नंबर बच्चे हैं और इसके बाद भी हम लोग अपना समय निकाल कर अपने बहनों के लिए, चाहे जो भी अनुदेशक बहनों शिक्षा मित्र हो और सहायक अध्यापक हों या कस्तूरबा की हों, इस तरह हम लोग काम किए। और फिर से अपनी बड़ी बहन प्रदेश अध्यक्ष महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद। एक वर्ष पूर्ण हुआ और हमारा प्रयास यही रहेगा कि एक साल के लिए चयनित हुई थी और यही चाह रहे हैं कि बलिया में मेरे से अच्छी महिला, मेरे से अच्छी मेरी बहन जिला अध्यक्ष अगले बार निकले और हमारा पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। और अभी तो एक हम लोगों का नया नया संघ बना है, अब धीरे धीरे हमारा जड़ मजबूत हो गया है, बस दीवार मजबूत करना है, उसके बाद लिंटर हो जाएगा तो घर अपने आप बन जाएगा। जब घर बनता है तो कबाड़ रहता है, कहीं सीमेंट, कहीं बालू, कहीं पत्थर, इसी तरह हमारा संगठन है। और हम लोग अपने परिवार का इज्जत सम्मान बचाते हुए, विद्यालय का इज्जत सम्मान बचाते हुए अपने संघ को धीरे धीरे ले जाने का काम किए हैं। और फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम चाहेंगे कि इस बार नया जिलाध्यक्ष वाहन मेरी निकले और ताकि हो सकता है मेरे से भी अच्छा से अच्छा काम करें। और उसके बाद हम है ही, बहुत हमारा सपोर्ट मिलेगा, महिला संघ छोड़ने वाली नहीं हूँ, लेकिन हमारा विचार ये है कि रंजना पांडे हमेशा ना रहो, क्योंकि रंजना पांडे प्रथम जिलाध्यक्ष मानी गई हैं तो इसके बाद दूसरी हमारी वाहन आए, उसके बाद तीसरी वाहन आए, तो किसी न किसी को जिम्मेदारी देना आवश्यक जरूरी है। और कोई नहीं लेगा तो रंजना पांडे तो है ही, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं प्रदेश अध्यक्ष बहन से भी नम्र निवेदन कर रही हूँ कि मेरे अलावा किसी और बहनों को लाइए यहाँ और हमारा सपोर्ट रहेगा। और यहीं पे अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का आशीर्वाद मिला, धन्यवाद, शुभकामनाएँ। आपकी बहन रंजना।